नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग और कुछ दर्शन भी कराऊंगी और आगे एक रेसिपी भी लेकर के आई हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो। और ये देखिए, मैं अभी रास्ते का ये व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है सब सीन वगैरह, और आगे एक बहुत अच्छा व्यू है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, एक लेक है सुंदर सा, और उसके आसपास का व्यू बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, और आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या दिखाऊंगी आपको और क्या दर्शन करवाऊंगी, वो भी आगे मैं बताती जाऊँगी आपको। तो सबसे पहले यहाँ मैं अभी आगे आपको ये लेक घुमाने के बाद आगे आपको शेयर करूंगी ट्रेन का। ट्रेन में से ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन ट्रेन का अच्छा सीन है, आप वो देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सीन था। और ये रास्ते का भी सीन बहुत ही खूबसूरत है, ये भी आप देख सकते हैं। और आगे मैं बताऊँगी, ये देखिए, ये मैं जा रही हूँ वैष्णो माता दर्शन। तो उसके लिए रास्ते में ये जो पुल है, बहुत ही अच्छा बड़ा सा पुल बना हुआ है, उससे ट्रेन से मैं ये जो वीडियो है बनाई थी। ये बहुत ही खूबसूरत सीन लग रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये सीन, है ना। बहुत लंबा सा पुल बना हुआ है, उस पर पूरी ट्रेन दिखाई देती है। जब आप आगे वाले बोगी में बैठे हों तो लास्ट वाला बोगी भी इसमें दिखता है गोल घूमते हुए। इसमें शायद वीडियो में नहीं आ पाया है, आप कभी जाइएगा और यदि गए होंगे तो देखे भी होंगे। तो ये देखिए, वैष्णो माता जाने के लिए, और आगे मैं दर्शन कराऊंगी आपको। यहाँ देख सकते हैं, पहले सीन आप एंजॉय कीजिए, उसके बाद एक नेचुरल आप सुनिएगा, बहुत ही अच्छा चिड़ियों की चहचहाट के साथ खूबसूरत सीन सुबह सुबह का। ये उधमपुर है रेलवे स्टेशन पर, बाहर ही बहुत ही सुंदर। कैसा लगा ये सीन और आवाज़? और मैं अब पहुंच गई हूँ कटरा। ये कटरा रेलवे स्टेशन है, ये भी बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही सुंदर लगता है। यहीं से माता का फीलिंग आने लगता है, इतना अच्छा है शांति, और सीन भी बहुत अच्छा, स्टेशन भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और आगे देखिए, मैं चढ़ाई शुरू कर दी। तो बोलिए माता रानी की जय। देखिए, अब मैं दर्शन कर ली हूँ यहाँ पे। रास्ते में हालत ख़राब हो गई थी नहाने धोने के बाद, यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के बाद का ये थोड़ा सा वीडियो है, आप देख सकते हैं। अभी मैं पीछे की तरफ दिखाऊंगी, वहाँ माता जी का जो है ना धाम, ये देखिए पीछे वो दिख रहा है ना, जो वही है माता का दरबार, इसमें आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत रात हो चुका है, करीब 11 बज चुके हैं इस टाइम तक दर्शन करने में। तो अभी रात को ही हम लोग लौट गए थे, ये देख सकते हैं। बस यही है यहाँ पर जर्नी वैष्णो माता का, ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बन पाया क्योंकि तो अच्छी खासी ठंड हो रही थी, और रास्ते में चढ़ाई के टाइम गर्मी, तो हालत अच्छा ख़राब हो गया था। तो अभी यहाँ आप ये सब सीन, जय माता दी, जय लाल चंद्र बिलाती, जय नेरा बम जय लाल चंद्र बिलाती, हमारी सुनते हैं।
और यहाँ देख सकते हैं हो गया है दर्शन। तो बस अब हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और थोड़ा बहुत ये क्लिप जो है ले लिए थे, देख सकते हैं। और आगे बोलिए माता रानी की जय, शेरवाली माता की जय, जयकारा जरूर लगाइएगा। तो बस इतना ही था माता रानी के दर्शन का ये ब्लॉग। तो आगे मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन वापस जाने के लिए, और आगे आपसे एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और रेसिपी ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मूली और ये है प्याज और हरी मिर्ची। आज मैं इसका बहुत ही टेस्टी सा भजिया बनाने वाली हूँ। और ये है एक कटोरी बेसन को मैं थोड़ा सा नमक डाल के, बस नॉर्मल पानी डाल के इसको ऐसे बेटर स्मूथ बेटर बना के रखी हूँ। इसी से मैं एक भजिया बनाऊँगी बहुत ही टेस्टी वाला। तो आप इस तरीके से देखिएगा एक बार बना के, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये 300 ग्राम मूली है और 300 ग्राम ही प्याज भी है। दोनों को मैं पतला ऐसे, प्याज को मैं पतला स्लाइस में काटी हूँ और मूली को मैं इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, ऐसे कद्दूकस कर रही हूँ। पतला वाला से नहीं करना है, मोटा वाला से करना है। थोड़ा लंबा लंबा लच्छा टाइप इसमें बनना चाहिए, तब ये अच्छा टेस्ट आता है। आगे आप देखिएगा मैं इसमें और क्या क्या मिलाती हूँ। तो ये देखिए, आप केवल मूली का भी ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा प्याज मिलाने से इसका अलग ही टेस्ट होता है, केवल मूली का अलग होता है। तो मैं अक्सर मिला के ही बनाती हूँ, दोनों बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ देख लीजिए, और ये है हरी मिर्ची, इसको भी मैं इस तरह से कैंची से, मिर्ची आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ 2-3 हरी मिर्च ली हूँ और थोड़ा पाउडर यूज करूँगी इसमें, मिर्ची पाउडर। और इसमें अब डालूँगी मैं थोड़ा सा चावल का आटा, ये है 2 से 3 चम्मच चावल का आटा इसमें डालना है इतना में। ये देखिए, एक कटोरी बेसन 150 ग्राम बेसन होगा, ये 600 ग्राम जो है ना प्याज और दोनों में डालने के लिए। और वो मैं थोड़ा सा मसाला डाली पेस्ट, और उसके बाद सूखा मसाला जो बेसिक होता है वही, और पेस्ट में तो मैं जो पीस के रखती हूँ, और ये अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डाल दी मैं पेस्ट में, वही पीस के रखती हूँ मैं। अदरक लहसुन धनिया जीरा थोड़ा सा काली मिर्च, यही सब जो मसाला होता है उसको पेस्ट बना के रखती हूँ। थोड़ा सा इसमें डालने से अच्छा टेस्ट आ जाता है, लहसुन वगैरह छीलने का झंझट पीसने का नहीं रहता है, 2-4 दिन का एक साथ रख लेते हैं तैयार करके। बस ये सारा मिक्स कर देना है इतना ही से, इसमें पानी वगैरह और कुछ नहीं डालना है। और ये अच्छा देखिए यहाँ पे तैयार हो गया है ये तलने के लिए। तो बस इतना ही है, बहुत ही आसान है, झटपट से बनता है। और बस ये तरीका है कि आप कैसे इसको बनाते हैं, क्या क्या मिक्स करते हैं, ये सब है। और बाकी तो भजिया पकौड़ी वगैरह सब लोग बनाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से ये। और यहाँ तेल बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मतलब हाई गर्म नहीं करना है, और थोड़ा मीडियम गर्म होना चाहिए, उसी टाइम इसको रखिए। और मीडियम हाई में ही इसको तलना भी है, तभी अच्छा क्रंची बनेगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना है। ये देखिए फटाफट से हो जाता है ये, यहाँ हम देख सकते हैं मैं आराम से इसको पलट दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं जाएगा इसमें, इतना ही तेल डाली हुई, इसी में ये सारा तल जाएगा और थोड़ा बच भी जाएगा, आप देखिएगा। ये देखिए, तो तलने के बाद तेल ज़्यादा बचा के नहीं रखना चाहिए, इसलिए कम तेल में ही कुछ फ्राई करना चाहिए, बचे हुए तेल को यूज करना अच्छा नहीं होता। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना अच्छा टेस्टी सा क्रंची भजिया बन के तैयार हो गया है, ये मूली और प्याज का भजिया है ये, है ना, बहुत टेस्टी। और धनिया पुदीने की चटनी, टमाटो सॉस, आप कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं इसको। तो मैं अभी टेबल पे जाके नहीं दिखाऊंगी, मुझे और बनाना है, तो आप यहीं से इंजॉय कीजिए। और एक और बैच मैं इसमें डाल दी, और उसके बाद मैं इसमें ये देखिए पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को धो के साफ़ करके ले आई हूँ, और उसको भी इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला लच्छे में काट के मैं थोड़ा इसमें मिक्स कर रही हूँ,
थोड़ा और बनाऊंगी मैं ये मिक्स करके। तो आपको ये सब तरीका मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, तीनों को एक साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं, या केवल प्याज और पत्ता गोभी का भी बना सकते हैं, प्याज का अकेले भी बना सकते हैं, मूली का भी अकेले बना सकते हैं। लेकिन बस इसी तरीके से घोलिएगा और इस तरह से मिक्स कीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी बनता है और क्रंची भी बनता है। मैं थोड़ा सा और उसमें जो ऐड की पत्ता गोभी उसी का थोड़ा थोड़ा मसाला और थोड़ा सा बेसन मिक्स कर दी हूँ मैं इसमें, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो वो आप अपने जो है ना टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाला वगैरह डाल सकते हैं, नमक वगैरह। तो मैं ये सब डाल दी और ये वाला भी मैं निकाल दूंगी अभी और उसको भी मैं तल के दिखाऊंगी। वो भी सब क्रंची बनता है, अच्छा टेस्टी बनता है, ज़रूर आप बनाइएगा। और कैसा लगा मेरा ये रेसिपी और ब्लॉग आपको कैसा लगा, माता रानी का दर्शन कैसा लगा आपको, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं और भी इसी तरह की नई नई रेसिपी और कुछ और भी बहुत ही अच्छा धमाकेदार ब्लॉग आने वाला है, तो आप इंतज़ार कीजिएगा, जल्द ही मैं एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगी। और रेसिपी तो है ही, मैं अलग अलग तरीके का रेसिपी सब लेके आती ही रहूँगी, क्योंकि रेसिपी मुझे बहुत बनाने का शौक़ है और मैं बनाती ही रहती हूँ। तो आपके लिए भी बनाऊँगी। और ये देखिए ये भी क्रंची सा बन के तैयार हो गया है, इसको सॉस के साथ इंजॉय कीजिए। और ये मैं पत्ते गोभी के साथ जो डाली इसको भी अभी तल के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रंची बनता है, ये देखिए। बस यही तरीका है, कुछ बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, झटपट से बनता है। तो मैं सोची थोड़ा सा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं एक और बैच निकल गया, एक और ये जो है इसको भी डाल दे रही हूँ, तो कई लोग मिल के खा रहे हैं फटाफट से, सब टेबल पे गरम गरम ही इसको खाने में टेस्टी लगता है। भजिया वगैरह तो ठंडा होने के बाद इतना अच्छा नहीं लगता है, तो गरम ही बनाइए, इंजॉय कीजिए। और इस तरह की और भी नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और ज़रूर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।